तो आप सबका इस नई साल में पहली बार हमारा आपका मिलना हो रहा है यहाँ पर, उसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। आप सबको पुनः एक बार बधाई। और 22 तारीख को अयोध्या में रामलला अपने घर में विराजी हैं, उसकी भी आप सबको पुनः एक बार बधाई। आज हम सब लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबको यहाँ पर बुलाया है। मेरे साथ में हम सबके बड़े भाई और पूर्व विधायक बाड़ी श्रीमान गिरिराज सिंह मलिंगा जी, और धौलपुर विधानसभा से प्रत्याशी रहे चिकित्सक डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा जी, श्रीमान मुकेश सक्सेना जी मीडिया के सह संभाग प्रभारी, माननीय राजबहादुर मीणा जी हमारे एसटी मोर्चे के प्रदेश महामंत्री हैं, प्रभारी हैं। मैं आज ईआरसीपी जो कल रात्रि को दिल्ली के अंदर इसका एमओयू हुआ है, उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से बताने के लिए यहाँ पर हम सब लोग आए हैं। मित्रों, तो आपको पता है कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और उसको चरितार्थ करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर जो संकल्पना थी, और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो संकल्पना थी कि नदियों से नदियों को जोड़ना और समूचे देश के अंदर जल का प्रवाह सही तरीके से हो, वो जो उनकी परियोजना थी उसको चरितार्थ करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गनिर्देशन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उन्होंने अथक प्रयास और जो उस ईआरसीपी मुद्दे पर जो छोटी छोटी परेशानियां थी उनको दूर करके कल रात्रि को उन्होंने एमओयू साइन किया है। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं, उनका भी विशेष प्रयास रहा है और अथक परिश्रम उन्होंने इस परियोजना के लिए किया था। लेकिन पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उस सरकार ने इस परियोजना को लटकाने का काम किया और पूरी जनता को बरगलाने का और भ्रमित करने का प्रयास किया कि ये परियोजना किस तरीके से किसी तरीके लटकी रहे, और जनता अपने मूल मुद्दा जो है, जो विकास का मुद्दा है, जल का मुद्दा था, उससे भटक जाए और किसी तरीके से भाजपा भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की साजिश थी। लेकिन जनता उस बहकावे में नहीं आई, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोनों प्रदेशों के अंदर है तो उन्होंने उस जो छोटे छोटे मुद्दे थे उनको सुलझाने के बाद कल रात्रि को एमओयू किया है। उसके लिए पूरी राजस्थान की जनता और मध्य प्रदेश की जनता उन सब की ओर से, और धौलपुर जिले की विशेष रूप से, क्योंकि धौलपुर जिला भी उस परियोजना का एक हिस्सा रहेगा और उसका भी लाभ हमें यहाँ पे मिलेगा। उसके लिए मैं भजनलाल शर्मा जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गजेंद्र सिंह शेखावत जी उन तीनों को विशेष रूप से बधाई देता हूँ। बंधुओं, ये परियोजना बहुत ही, हमारे 13 जिले हैं, उन 13 जिलों के लिए सिंचाई की और पेयजल की दोनों परियोजना दोनों रूप से काम करेगी। 13 जिलों के अंदर लगभग 2,80,000 हेक्टेयर भूमि इससे सिंचित होगी, और इस तीनों जिलों के अंदर, 13 जिलों के अंदर जो कि हमारी जो आबादी रह रही है उसको पेयजल की भी आपूर्ति होगी। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये मानो कि इससे आगामी लगभग 40-50 वर्षों तक इन जिलों के अंदर किसी भी प्रकार की पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। और चूंकि आप सबको पता है कि बिना जल की कल्पना नहीं की जा सकती जीवन की, तो ये परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और इसके लिए पुनः एक बार आदरणीय भजनलाल जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जल शक्ति मंत्री जो हमारे राजस्थान के रहने वाले हैं, उन्होंने विशेष प्रयास किया। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और ये परियोजना 13 जिले राजस्थान के, 13 जिले मध्य प्रदेश की, कुल मिलाकर के लगभग कह सकते हैं कि 5,80,000 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिलाकर के ये लाभ मिलेगा। आप सब लोग इस परियोजना में, हम चाहते हैं कि आप सबके माध्यम से जनता को ये पता लगे कि किस प्रकार कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को लटकाने का काम किया था, जनता को भ्रमित करने का काम करी थी, लेकिन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकलती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही उन्होंने अपनी इस परियोजना को, जो महत्वाकांक्षी परियोजना थी जो केंद्र की और पिछली हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने इस परियोजना को साकार देने का काम किया था। भजनलाल जी की सरकार ने आते ही उस छोटी छोटी कमियों को दूर करके ये परियोजना साकार रूप में ले ली है, और जल्दी ये सबको, इस सबका लाभ मिलेगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं, हमारे साथ में आदरणीय गिरिराज सिंह मलिंगा जी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो इस परियोजना के बारे में, चूंकि धौलपुर जिला और आप धौलपुर जिले के ख्याति प्राप्त जनप्रतिनिधि हैं और हम सबके बड़े भाई हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि सभी संबंधित जो अभी कल एमओयू हुआ है मध्य प्रदेश सरकार और राजस्थान सरकार की, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा, और पहले तो ये बहुत पुरानी मांग थी, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था
नदियों से नदियां जोड़ी है। तो अब क्या कह रहे हैं, वो एक सपना उनका साकार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आपको मालूम है कि राजस्थान में सरकार पहले कांग्रेस की थी, मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की थी, केंद्र में सरकार पहले कांग्रेस की थी। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर लोग पटक रही थे, कोई अपनी कमी नहीं बताता तो किसके अंदर क्या कमी है। अब जाएगा ना ही ये प्यारी योजना है, इसका फायदा भी आप लोगों को इतना मालूम नहीं हुआ। राजस्थान की जो जनसंख्या है 40%, वो जनसंख्या 40% राजस्थान की जो जल की आपूर्ति करेगा, 40% जनसंख्या का काम हो। अब आप समझ लो कि जब 40% का काम इधर हो गया, आपके गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, उस साइड में तो आपका नहर का पानी काफी आ ही रहा है। तब ये इधर के हमारे जिले थे और जो एन अलवर तक की जो व्यवस्था है, टोक सवाई माधोपुर, ये काफी इधर अपने बेल्ट में क्या है, पानी की कमी है। इधर पत्थर है, पत्थर के अलावा फिर भी अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो नमक का पानी है। तो उसकी वजह से अपने यहाँ पर खेती भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही थी और लोगों को पानी पीने के लिए भी बहुत बड़ी समस्या आ रही थी। अब अपने 13 जिलों की समस्या समाधान हो गया, उधर के का ही आपके मध्य प्रदेश में 13 जिलों का हो गया, 1,80,000 पानी इधर आएगा, उतना ही पानी उतर जाएगा, कुल मिला के 50-50 काम हुआ है। अब इस योजना का आगे जाकर ना थोड़ा सा फायदा अपन को मिलेगा, पर थोड़ा जो समय पर हो जाए, जाके कहा जाए आप हम सब मिलकर ना ही प्रयास करेंगे कि जी थोड़ा लंबा नहीं खींचे। लंबा खींचने में योजना में कहा कि एक तो लागत बहुत बढ़ जाती है, और लागत बढ़ने के अलावा फिर क्या कि जो लोगों को समय पर अगर कोई सुविधा नहीं मिल पाए तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो यही है निवेदन कर रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो हमारे दोनों मुख्यमंत्री जी माननीय बजरलाल जी और यादव साहब और माननीय केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने 40% जनसंख्या इधर राजस्थान की, 40 ही मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है, जो आपके 13 जिले हैं, जो आपकी पानी की समस्या थी उसका समाधान हो गया है, और आगे इसी तरीके से और भी अपने प्रदेशों में विकास करते रहेंगे। ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, लोग इसके लगभग मैं जानता हूँ इसकी योजना की लागत कम से कम 72,000 करोड़ के आसपास होगी। अब इतनी 72,000 करोड़ से कम नहीं है योजना भी, और मैं जानता हूँ कि इसकी आगे जब तक ये काम चलेगा मैं जानता हूँ कि 15-20 साल लग जाएंगे इसमें, अगर अपन अब से भी करेंगे काफी समय लगेगा। तो हर जगह तालाब बनेंगे, चंबल का पानी वो पानी इधर घुमाया जाएगा, बहुत पहाड़ियां हैं जगह जगह, वो जगह जगह तालाब बनाए जाएंगे। जब जाके ना इसका पूरे सही तरीके से अपन लोगों को फायदा मिलेगा, जनसंख्या राजस्थान की 40% उसको पानी पीने के लिए मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम के काजे, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो टीम गठित की गई। अब तक क्या कहिए, सिर्फ राजनीति से हो रहा था, सिर्फ अपने अपने फायदा का था, चुनाव का फायदा हर कोई लेना चाहता है, पर जो इतना ही था बकाजे का काम कहीं नहीं हो रहा धरातल पर, और ना किसी ने इसकी पैरवी की। अब जाकर इसकी सही मायने में अब ये सही धरातल पर आएगी और काम भी बहुत जल्दी लागू हो जाएगा। माननीय डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको नए वर्ष की बधाई देना चाहूंगा, और साथ ही जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में जो एमओयू कल हुआ है उसके लिए मैं केंद्र सरकार को, राजस्थान सरकार को और मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतने समय से बहुप्रतीक्षित, जबकि पड़ा हुआ था पेंडिंग में, वो कल पूर्ण हुआ है, जिससे पूरी राजस्थान की पूरी जनता और साथ में मध्य प्रदेश की भी जनता बहुत खुश है, और सभी को जो पानी की कमी थी पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर है, लेकिन पूरी राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो या पेयजल के में, जो समरसेबल से नीचे पानी दोहन हो रहा है वो भी बहुत कम हो गया है। इसलिए आगे आने वाले भविष्य में यहाँ के खेती के लिए और पेयजल के लिए बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो मैं तो माननीय भजनलाल जी CM राजस्थान सरकार, मोहन यादव जी CM मध्य प्रदेश सरकार,
और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ में ही जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस राजस्थान को, इस शुष्क राजस्थान को, इस मरुस्थल राजस्थान को जो पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए देंगे, इससे इस राजस्थान की, पूरी राजस्थान की कायाकल्प हो जाएगी और यहाँ की जो समस्या है पानी की, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसकी पूर्ण यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन इस काम को करने के लिए जो पहले से अटका हुआ था, सरकारें आपस में टकराती रही थी, तो केंद्र में सरकार अलग होती थी, चाहे कांग्रेस की हो, इधर राजस्थान में बीजेपी की रहती थी, फिर बीजेपी की सरकार थी, लेकिन काम धरातल पर नहीं हो रहा था। जिस तरह से हमारी सरकार ने बनते ही अपने घोषणा पत्र में लिखा था और अपने वादे को पूरा किया था, तो ये बहुत बढ़िया बात है कि जितनी जल्दी हो सका इसको एमओ करके और इस घोषणा पत्र की शुरुआत राजस्थान सरकार ने कर दी है। इसी तरह से सारे घोषणा पत्रों की राजस्थान सरकार बहुत ही जल्दी अपने वादे पूरे करेगी। जय हिंद, जय भारत।